कंधों पर ले जाते अर्थी को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि यह किसी इंसान की अर्थी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यह अर्थी तो कांग्रेस सरकार के उन घोषणा पत्र की है जो किसानों से वादे किए थे, जिन्हें शायद कांग्रेस सरकार भूल गई है। वो वादे जो किसानों से घोषणा पत्र में किए गए थे, आज उसी का जनाजा निकाला गया है। देखिए पूरी खबर न्यूज इंडिया A9 पर। क्या प्रोग्राम था और किसकी अर्थी निकाली है? हमने कांग्रेस सरकार के वचन पत्र की अर्थी निकाली। क्या जरूरत लगी कि कांग्रेस सरकार के वचन? कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे जनता से कि हम ये करेंगे, 2 लाख माफ करेंगे, युवा बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये महीना देंगे, 25 किलो गेहूँ, 25 किलो चावल, गरीब परिवार को 300 रुपये महीना पेंशन, 1,000 कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यह जनता के साथ, किसानों के साथ फसल का उचित दाम देंगे वो भी नहीं दिया, युवाओं को रोजगार नहीं, मतलब कहीं ना सारे प्रदेश की जनता के साथ ये छलावा हुआ है। मतलब क्या पूरे जिले में किस स्तर पे ये पूरे प्रदेश स्तर पर अर्थी निकाली गई है? मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के निर्देश अनुसार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील तैथल के नेतृत्व में बस स्टैंड पुलाय कला पर कांग्रेस सरकार के वचन पत्र की अर्थी निकालकर कमलनाथ सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए व पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष तैथल ने उपस्थित लोगों को बताया कि कांग्रेस के वचन पत्र में वादा किया गया था कि बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ तथा बिजली बिल के बढ़ते बिल सहित कई मुद्दों का जिक्र करते हुए किसानों के साथ में प्रदेश सरकार ने छल किया है, जिससे प्रदेश के किसान व युवा दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं और प्रदेश की लंगड़ी सरकार किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के वचन पत्र की अर्थी निकाली गई, कांग्रेस हाय हाय के नारे भी लगाए, वही वचन पत्र का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से काफी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। पोलाकला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट।